अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरुण से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PHP अरेज। इसमें देखेंगे कि PHP में अरेज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे यूज़ करेंगे और अरेज किस पर्पज के लिए यूज़ होती हैं। एन अरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अरे हमारे पास क्या है, कैसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज से सिमिलर टाइप की जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू स्टोर 100 नंबर्स, देन इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 100 वेरिएबल्स, इट इजी टू डिफाइन एन एरे ऑफ 100 लेंथ। कि हम एक एरे डिफाइन कर लें जिसमें हम 100 वैल्यूज को स्टोर कर सकें। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एरेज, और PHP जो एरेज की जो टाइप्स को सपोर्ट करता है वो है हमारे पास, वो तीन तरह की हैं, न्यूमेरिक एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। और अगर हमने एरे के एलिमेंट्स को हम लोगों ने एसेस करना है तो उसके लिए उसको हम एसेस कर सकते हैं यूजिंग एन ID जो कि एरे का इंडेक्स कहलाती है। न्यूमेरिक एरे क्या है, एन एरे विद अ न्यूमेरिक इंडेक्स, यानी कि जो हमारे पास एरे के इंडेक्स है अगर वो नंबर की फॉर्म में है तो उसको हम न्यूमेरिक एरे बोलते हैं। वैल्यूज़ आर स्टोर्ड एंड असेस इन लीनियर फैशन, यानी कि लीनियर मैनर्स में हम उसे स्टोर कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं। एसोसिएटिव एरे क्या है, एन एरे विद स्ट्रिंग एज इंडेक्स, जिसके जो इंडेक्स है, एरे का जो इंडेक्स है अगर वो न्यूमेरिक यानी कि नंबर की फॉर्म में नहीं है तो वो अगर हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म है तो उसे हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं। दिस स्टोर्स एलिमेंट वैल्यूज इन एसोसिएशन विद की वैल्यूज रादर देन इन अ स्ट्रिक्ट लीनियर इंडेक्स ऑर्डर। इसमें लीनियर इंडेक्स ऑर्डर फॉलो नहीं होता, इसमें की वैल्यूज पेयर जो हैं उसको फॉलो किया जाता है, यानी कि हर की के अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी होती है एसोसिएटिव एरे में। जो इसकी की है वो हमारे पास एक उसकी जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे, एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज एंड वैल्यूज आर असेस यूजिंग मल्टीपल इंडेसेस, यानी कि अगर हम एरे के अंदर डिफरेंट एरेज को डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाती है। न्यूमेरिक एरेज, दीज एरेज कैन स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग एंड एनी ऑब्जेक्ट, बट देयर इंडेक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर, यानी कि इस एरे की इस टाइप में हम स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकते हैं, बट उनके जो इंडेक्स हैं, जो इंडेक्स है वो उसको हम असेस कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे बाय नंबर्स। बाय डिफॉल्ट जो एरे का इंडेक्स वो स्टार्ट होता है हमारे पास ज़ीरो से। जो इसमें जो नेक्स्ट हम एग्जांपल है उसको हम यूज़ करते हैं कि कैसे न्यूमेरिक एरेज जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं और उनको असेस कर सकते हैं। तो एरे को क्रिएट करने के लिए एरे फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर इसके कोड को देखें तो हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर्स और उसको हमने इक्वल किया है एरे, यानी कि बिल्ट इन जो हमारे पास एरे फंक्शन है उसको यूज़ किया है एरे, और उसमें मैंने एरे की वैल्यूज पास कर दी हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरे पास 5 इसकी एरे की वैल्यूज़ हैं। फॉर ईच लूप को यूज़ किया है नंबर एज वैल्यू, कि जो मेरे पास नंबर वेरिएबल है उसके हर इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल वैल्यू में स्टोर हो जाए और उसको हमने इको करवा दिया। एक हमारे पास ये वे है एरे क्रिएट करने का। सेकंड वे ये है कि मैंने जो है वेरिएबल लिया है नंबर्स और उसके इंडेक्स ज़ीरो पे मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 1, उसके इंडेक्स 1 यानी कि जो मेरे पास इंडेक्स 1 ये बन रहा है उस पर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 2, इंडेक्स नंबर 2 पे जो मेरे पास ये वाला बन रहा है उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 3। इसी तरह इंडेक्स जो मेरे पास एरे का इंडेक्स 3 है, जो मेरे पास बन रहा है इंडेक्स 3 ये, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 4, और एरे के इंडेक्स 4 में मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 5। यानी कि अगर मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं किसी एरे में तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, ये एरे के इंडेक्स 0 पे पड़ा है, ये एरे के इंडेक्स 1 पे है, ये एरे के इंडेक्स 2 पे है, ये एरे के इंडेक्स 3 पे है और ये एरे के इंडेक्स 4 पे है।
तो जिस पोजीशन पे वो पड़ा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, वो हमारे पास नंबर की फॉर्म है, इसलिए ये न्यूमेरिक अरे है। इसमें भी हमने फॉर ईच लूप को यूज़ किया है, नंबर एज वैल्यू, और जो वैल्यू में इसकी वन बाय वन इसकी वैल्यू स्टोर होती जाएगी और इसको हम इको करवा लेंगे। तो ये दो वेज हैं हमारे पास अरेज को क्रिएट करने के लिए, न्यूमेरिक अरेज को। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास जो दोनों टाइप की अरेज हैं वो क्रिएट हो गई हैं। नेक्स्ट एरे की टाइप है वो है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरेज जो है वो सिमिलर है न्यूमेरिक एरेज की ही तरह, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, बट थोड़ा सा उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसका इंडेक्स जो न्यूमेरिक एरे का होता है उसमें नंबर में होता है, और एसोसिएटिव एरे में जो इंडेक्स है वो एज अ स्ट्रिंग होता है। तो इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन की वैल्यू पेयर्स में। टू स्टोर द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय इन एन एरे, अ न्यूमेरिकल इंडेक्स एरे वुडंट बी द बेस्ट चॉइस। यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि इंडेक्स 5 पे जो एम्प्लॉय की सैलरी पड़ी हुई है वो किसी एक्स वाई जेड एम्प्लॉय की है। तो अगर मुझे किसी एक पर्सन की सैलरी जो है उसको स्टोर करवानी है, तो उसके नेम के साथ मैं उसको स्टोर करवाऊँगी, तो उसके लिए मैं उसका नेम और उसकी सैलरी लिखूंगी, ना कि उसका इंडेक्स नंबर के इंडेक्स नंबर 3। तो हमें नहीं पता चलेगा कि इंडेक्स नंबर 3 पे एम्प्लॉय नेम क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम यूज़ करेंगे एज अ की, और उसकी एसोसिएटिव अरे उसमें हम क्रिएट करेंगे, उसमें उसकी अगेंस्ट उसकी वैल्यू जो है सैलरी वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें एक नोट जो है वो माइंड में रखना है, डोंट कीप एसोसिएटिव अरे इनसाइड डबल कोट्स वाइल प्रिंटिंग। जब हमने उसको इक्वल करवाना है तो उसको हमने डबल कोट्स में नहीं लिखना, सिंगल कोट्स में लिखना है, अदरवाइज वो जो है वो हमें वैल्यूज़ की रिटर्न नहीं करेगा। तो इसकी जो एग्जाम्पल है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें मैंने एसोसिएटिव एरे जैसे क्रिएट की है, एक मैंने सैलरी वेरिएबल लिया है और उसको इक्वल किया है एरे। एरे मैंने जो डिक्लेयर किया है इसमें मैंने कहा है मोहम्मद, यानी कि जो की उसकी मैंने बताई है वो मैंने मोहम्मद बताई है, और इसके एरो का एक साइन यूज़ किया है और उसकी वैल्यू बता दी है 2000। यानी कि जिसका नाम मोहम्मद है उसकी जो सैलरी है वो 2000 है। इसके बाद सेमी कॉलन से इसको जो कॉलन कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। ये हमारे पास एरे का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसके बाद जो कादिर हैं उनको जो नेम है स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे जो कि एसोसिएशन को शो करने के लिए यूज़ हो रहा है, और इसकी सैलरी 1000 है। इसके बाद कोमा से सेपरेट करेंगे, तो दैट्स मीन कि मेरे पास सेकेंड एरे का एलिमेंट है। थर्ड वन जो है हमारे पास जो थर्ड पर्सन का नेम है वो ज़ारा है, तो ये भी स्ट्रिंग है, तो इसीलिए इसके क्योंकि एरे का ये जो इंडेक्स है ये स्ट्रिंग में है, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और एसोसिएट करेंगे एसोसिएशन साइन के साथ, और इसकी वैल्यू है 500। इसके बाद एरे को हम क्लोज कर देंगे। तो मेरे पास इस एरे में तीन जो हैं वैल्यूज स्टोर हैं। फिर हम इसको इक्वल करवा लेंगे, सैलरी ऑफ मोहम्मद यानी कि एक स्ट्रिंग है, इसके साथ कंकैटिनेट करेंगे। अब जब एरे एसोसिएटिव एरे को यूज़ करना है तो एरे का नेम यानी कि जो सैलरीज एरे का नेम था उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और उसमें की का नाम बताएंगे। की हमारे पास मोहम्मद है, कातिर है और ज़ारा है, इसके अगेंस्ट इसकी वैल्यूज़ पड़ी हैं। इसी तरह सैलरी ऑफ कादिर इस एसोसिएटिव एरे में एरे का नेम और की का नेम बता देंगे। इसी तरह एसोसिएटिव एरे में एरे का नेम और उसकी की का नेम जो कि ज़ारा है, तो इसके अगेंस्ट जितनी भी हमारे पास इनकी वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। सेकंड मेथड इसका अगर हम देखें तो इसका ये है कि एसोसिएटिव एरे को यूज़ करते हुए हम हर की के अगेंस्ट भी, जैसे मोहम्मद जो हमारे पास की है उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह कादिर के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और ज़ारा जो की है उसके अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी की के अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसमें हमने एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट और की का नेम बताना है,
और फिर उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है इक्वल साइन के बाद डबल कोट्स में। और अगर हम इनको इको करवाना चाह रहे हैं तो इसका भी वे वही है कि अरे एक नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की का नेम बता देंगे। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, मेरे पास दोनों वेज में एरे जो एसोसिएटिव एरे थी उनके आउटपुट शो हो गई है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या है कि हमारे पास एक मेन एरे है, उसमें कुछ सब एरेज होती हैं वो ऐड होती हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल इंडेक्स भी हो सकते हैं एरे को एक्सेस करने के लिए। इसकी अगर एक एग्जांपल लें तो हम इसकी एग्जांपल क्या है कि वी क्रिएट अ टू डायमेंशनल एरे टू स्टोर मार्क्स ऑफ थ्री स्टूडेंट इन थ्री सब्जेक्ट। ये तीन स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट्स का मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हैं। इसको देखते हैं कि किस तरह हम एसोसिएटिव एरे को यूज़ करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए। इसमें मैंने मार्क्स के नाम से एक एरे क्रिएट की है, मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल और उसको मैंने एरे उसमें मैंने क्रिएट की है। और एरे जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने कहा है कि जो मेरे पास की है मोहम्मद उसके अगेंस्ट उसको एसोसिएट किया है एक एरे के साथ, यानी कि मोहम्मद की तीन सब्जेक्ट्स हमने ऐड करने हैं तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स, तो उसके लिए इसमें एक और एरे डिफाइन कर दी है। उस एरे में फिजिक्स की है और उसके नंबर आ गया, मैथ्स की है उसका नंबर आ गया और केमिस्ट्री की है और उसके अगेंस्ट नंबर आ गया। इस एरे को क्लोज़ करेंगे, यानी कि ये एरे यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके बाद इसको कोमा से सेपरेट करेंगे और ये हमारे पास जो है वो एक एरे की वैल्यू बन गई है। इसी तरह कादर जो सेकंड की है एरे की उसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको एसोसिएट करेंगे एरे के साथ और एरे स्टार्ट करेंगे। इसी तरह कादर की फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री के नंबर ऐड करेंगे और जो कादर वाली एरे है इसको क्लोज करेंगे और इसको कोमा से सेपरेट करेंगे। इसी तरह जो ज़ारा की है इसको एसोसिएट करेंगे एरे में, एरे में हमने बता दिया उसके फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री के नंबर और इसकी ज़ारा वाली जो एरे है इसको हम क्लोज करेंगे और इसके बाद जो हमारे पास मेन एरे थी मार्क्स वाली वो हम क्लोज करेंगे। अब हम इको करवाना चाह रहे हैं कि मोहम्मद के फिजिक्स में मार्क्स क्या हैं, कादिर के फिजिक्स में मार्क्स क्या हैं और ज़ारा के मैथ्स में मार्क्स क्या हैं और ज़ारा के केमिस्ट्री में मार्क्स क्या हैं। तो एसोसिएटिव मल्टी डायमेंशनल एरे में हम फर्स्ट पहले जो हमारे पास मेन एरे है उसका नेम लिखेंगे जो कि मार्क्स है, उसकी हमने बताना है अगर हमने मार्क्स फॉर मोहम्मद इन फिजिक्स तो मोहम्मद कीवर्ड की बताएंगे, इसके बाद फिजिक्स की बताएंगे, यानी कि दोनों कीज बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोहम्मद के मार्क्स फिजिक्स में क्या हैं। इसी तरह कादिर के मैथ्स में अगर हमने फाइंड करने हैं तो इसमें हमने बता दिया है एरे जो थी हमारे पास मेन जो थी एरे मार्क्स जो पेरेंट एरे है और उसके बाद उसमें उसका जो की मैंने बता दी है वो है कादिर और इस कादिर के हमने किस कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स मालूम करने हैं मैथ्स के, तो जो कि हमारे पास मैथ्स की एक की है इसलिए हमने इसको इस तरह मेंशन किया। इसी तरह हम ज़ारा के केमिस्ट्री के मार्क्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको असेस करेंगे उसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास मोहम्मद के मार्क्स 35 हैं फिजिक्स में, तो ये मेरे पास मोहम्मद के मार्क्स 35 फिजिक्स में आ गए, कादिर के 32 मैथ्स में और ज़ारा के केमिस्ट्री में 39, तो मेरे पास उसके अगेंस्ट रिजल्ट शो हो गए।